press the bell icon for all the updates. पिछले साल सोनू निगम पड़ गए थे काफी मुसीबत में उनके कमेंट्स को लेकर अगेंस्ट द यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग अजान। और अब इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं इंडस्ट्री के एक और जाने माने नाम जावेद अख्तर, जिन्होंने सोनू निगम का साथ देते हुए लाउडस्पीकर्स के यूज की निंदा की। जावेद अख्तर ने इस इशू के बारे में अपने थॉट्स शेयर करते हुए ट्वीट किया, दिस इज टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट आई टोटली अग्री विद ऑल दोस इंक्लूडिंग सोनू निगम हु वांट दैट लाउडस्पीकर्स शुड नॉट बी यूज्ड बाय द मॉस्क्स एंड फॉर दैट मैटर बाय एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन रेसिडेंशियल एरियाज। हालांकि जावेद जी खुद मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका हमेशा से यही मानना है कि वो किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानते। उनकी नजर में सब एक समान है। खैर चलिए आपको याद दिलाते हैं कि आखिर पिछले साल सोनू निगम के एक कमेंट के वजह से क्या क्या हुआ था। सोनू निगम ने जैसे ही अपने थॉट्स शेयर किए, मुस्लिम कम्युनिटी काफी नाराज हो गई उनसे। यहाँ तक कि मौलवी सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी, वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल ने तो 10 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान कर दिया था उस शख्स के लिए जो जाकर सोनू निगम का सर मुंडवाएगा। वेल, सोनू ने भी इन मौलवी को चैलेंज किया और खुद ही अपना सर मुंडवा लिया। बाल काटने वाला मुसलमान है और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है, वो हो रहा है। पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई जबरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। एंड अल्टीमेटली मौलवी जी ने बैक ऑफ कर लिया इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी से। बेचारे सोनू, इस कमेंट की वजह से अब तक इनके सर पर खतरे का साया मंडरा ही रहा है। अभी भी थ्रेट्स की वजह से इनकी सिक्योरिटी टाइट करवा दी गई है। वी जस्ट होप कि जावेद जी के इस ट्वीट के बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। अब आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि क्या आप भी जावेद अख्तर और सोनू निगम से सहमति रखते हैं इस मामले में, या फिर आपकी राय कुछ और है।